हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8 गुड मॉर्निंग आई एम अलेक्स सर आई एम गोइंग टू कंटिन्यू द रिवीजन और रिवीजन इन साइंस लेसन नंबर 5 कोल एंड पेट्रोलियम। तो इसमें जो टॉपिक टुडे द टॉपिक वी आर गोइंग टू डिस्कस इज व्हाट कंजर्वेशन ऑफ फॉसिल फ्यूल्स राइट। तो व्हाई देयर इज नीड ऑफ नीड टू कंजर्व फॉसिल फ्यूल्स यू नो द अमाउंट ऑफ फॉसिल फ्यूल इज लिमिटेड इन द अर्थ क्रस्ट राइट और यू कैन से ऑन द एंड। तो फॉसिल फ्यूल्स का जो अमाउंट है वो लिमिटेड एंड इट टेक्स बिलियंस और मिलियंस ऑफ इयर्स फॉर देयर फॉर्मेशन और इनकी फॉर्मेशन में लगभग मिलियंस लाखों साल लग जाते हैं। अभी जो हमको जो प्रोडक्ट मिल रहा है आज जो हम लोग पेट्रोल डीजल कोल ये सब यूज कर रहे हैं तो आप समझिए इनका फॉर्मेशन लाखों साल पहले हुआ और हम आज यूज कर रहे हैं। अगर हमारी जनरेशन में अगर ये खत्म होगा अगले लाखों सालों तक हमको ये नहीं मिलेगा। तो इसीलिए और ये आपका एक्सहॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज है खत्म होने वाला है। जिस रेट से हम यूज कर रहे हैं इसको आज के रेट में अगर इसी रेट में रेट से अगर हम यूज करते रहे तो आने वाले 100 से 150 साल में ये हमारे पास नहीं होगा ठीक है। तो दैट्स व्हाई देयर इज अ नीड टू कंजर्व फॉसिल फ्यूल्स और इसीलिए इसको कंजर्वेशन की जरूरत है ठीक है। तो देयर आर सो मेनी वेज बाय विच वी कैन कंजर्व कंजर्व मीन्स प्रोटेक्ट देम फ्रॉम वेरियस। फर्स्ट वी शुड रिड्यूस द यूज ऑफ फॉसिल फ्यूल्स एंड वी यूज दीज हमको पहले फॉसिल फ्यूल्स का यूज जो है कम से कम करना चाहिए ठीक है। वी शुड रिड्यूस द यूज ऑफ फॉसिल फ्यूल्स एंड दीज फ्यूल्स ओनली एब्सोल्यूट और उसका तभी यूज करें जब वो काफी नेसेसरी हो जरूर हो। सपोज करिए मेरे पास बाइक है तो मैं टावर साइकिल से जा सकता हूँ अगल बगल कहीं जा सकता हूँ साइकिल वगैरह से मूव कर सकता हूँ पैदल जा सकता हूँ तो फिर गाड़ी निकालने की जरूरत क्या है ना। फॉसिल फ्यूल है ना पेट्रोल तो ऐसा ये सब सोच हमारी जब बदलेगी तो हम लोग ऐसा कर सकते हैं। वी शुड इनकरेज द यूज ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्सेज और हमको जो रिन्यूएबल रिसोर्सेज है उसका उसको इंकरेज करना चाहिए। जो पेट्रोल डीजल ये सब का यूज होता है उनकी जगह ऐसे सोलर एनर्जी है ये सब का उनको प्रमोट करना चाहिए अधिक से अधिक यूज करना चाहिए ठीक है। लाइक विंड एनर्जी सोलर एनर्जी एंड हाइड्रो एनर्जी द एनर्जी विच वी ऑब्टेन विद द हेल्प ऑफ रनिंग वाटर। वी शुड यूज मोर फ्यूल एफिशिएंट मशीन और हमको ऐसे मशीन का यूज करना चाहिए जो कम फॉसिल फ्यूल यूज करके अधिक से अधिक हमको लाभ पहुंचा राइट। तो ये दीज आर द वेज बाय विच वी कैन कंजर्व आवर फॉसिल फ्यूल। सपोज करिए एक बिल्डिंग में 4 फ्लैट है और 4 फ्लैट में 4 परिवार रहता है उसके जो मेल मेंबर है किसी फैक्ट्री में इंजीनियर से 4 इंजीनियर्स है सबके पास अपनी अपनी कारें हैं ठीक है। सभी उसी फ्लैट से निकलते हैं ऑफिस को एक ही बिल्डिंग में जाते हैं वहां काम करते हैं फिर अपने कारों से वापस आते हैं। तो सपोज करिए एक जो आदमी है वो 10 लीटर पेट्रोल यूज करता है महीने में 10 लीटर पेट्रोल लगता है उसमें ठीक है। तो महीने में चारों आदमियों के कितना पेट्रोल कंज्यूम करेंगे 40 लीटर। अगर ये सारे लोग आपस में डिसाइड करें चलो एक एक दिन हम लोग अपना कार निकालेंगे ठीक है एक एक दिन कार निकालेंगे आज सबको मेरे कार से चलेगा दूसरा दिन दूसरे की कार से। तो सपोज करिए 10 लीटर तेल में पूरा महीना मतलब मात्र 10 लीटर तेल लगेगा ठीक है। तो 10 लीटर तो कितना फॉसिल फ्यूल बच गया 30 लीटर हमने बचा लिया। तो इस तरह से सोचने की जरूरत है। दे टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट एंड एनर्जी क्राइसिस तो मॉडर्न मेथड्स ऑफ एग्रीकल्चर रिक्वायर एनर्जी। हाँ हमारा जो एनर्जी रिक्वायरमेंट है वो पहले की तुलना में काफी बड़ा है। तो मॉडर्न मेथड्स है एग्रीकल्चर के रिक्वायर एनर्जी फॉर एग्जाम्पल ट्रैक्टर से ट्यूबवेल से अदर एग्रीकल्चरल इंप्लीमेंट से ज्यादा एनर्जी यूज कर रहे हैं। घरों में पहले आप देखते होइएगा पुराने जमाने में या आपकी मम्मी या फिर उससे पीछे जाइए तो मसाला पीसना हो तो किस पे पीसते थे सिलौटी लोड़ी पर है ना उसमें मैन पावर यूज होता था। आज के डेट में क्या करते हैं अब
वो स्लोली या लोडी कहाँ गया पता नहीं, अब सभी मिक्सी का यूज करते हैं तो एनर्जी का कंजप्शन बढ़ा है ना। ए लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज कंज्यूम्ड बाय अ सेट होम ड्यू टू ए लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस। घर पे देखिए कितना चीज यूज हो रहा है आपका, मिक्सी एक बताया आपको, फैन है, गीजर है, टोस्टर है, माइक्रो ओवन है, ठीक है, आयरन है, टेलीविजन है, मोबाइल को चार्ज करना है। देयर आर सो मेनी यूजेस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, वी कैन नॉट इमेजिन आवर लाइफ विदाउट इलेक्ट्रिसिटी नाउ डेज। आज के दिन में हम अपने जीवन को इलेक्ट्रिसिटी के बिना इमेजिन कर ही नहीं सकते। तो सपोज करें, तो देखिए रेफ्रिजरेटर भी उसमें आता है, तो वेरियस मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एंड फूड प्रोसेसिंग और स्टोरेज ऑल्सो रिक्वायर्ड एनर्जी। तो आज के डेट में जो ट्रांसपोर्टेशन का जो इतना सारा मीन्स हो गया है, ट्रेन है, बस है, ट्रैक है ना, मेट्रो है, बहुत सारा प्लेन है, सभी यूज कर रहे हैं एनर्जी को। तो एज अवर एनर्जी नीड्स आर इंक्रीजिंग, क्योंकि हमारा एनर्जी का नीड्स जो है काफी बढ़ रहा है। तो ट्रिमेंडस पेस द सेंसेबल एंड इकोनॉमिक यूज ऑफ एनर्जी रिसोर्सेज इज कॉल्ड कंजर्वेशन। इसलिए हमको अपने एनर्जी है, पहले बताया कि जो फॉसिल फ्यूल्स का जो एनर्जी है उसका स्टॉक लिमिटेड है, इसलिए हमको अपने एनर्जी के स्रोत को क्या करना चाहिए, सेंसेबल यूज करना चाहिए, इकोनॉमिकली यूज करना चाहिए। आपका भी फायदा, कंट्री का भी फायदा, नेचर का भी फायदा, ठीक है। इसमें आया नहीं, बड़े बड़े कंट्री में जाइए, जर्मनी में तो कार है, बाइक्स है ना, लेकिन वहां नॉर्मल वर्क के लिए साइकिल का यूज करते हैं लोग, अच्छे खासे लोग जिनके पास सब कुछ है, बाइक्स या फिर कार भी निकालते हैं जब कहीं फैमिली फंक्शन में जाना होता है, फैमिली के साथ टूर पे जाना होता है। नॉर्मली हम लोग अब किसी को बोलिए कि जब पापा ने कहा दुकान से नमक ले आओ, बोले पापा मोटरसाइकिल दीजिए ना, बस समझ रहे। तो इस तरह से एनर्जी का यूज कम हो रहा है, तो इसलिए उसी को इस तरह जब हम सेंसिबली यूज करना शुरू करेंगे अपने नेचुरल रिसोर्सेज को, ठीक है, एनर्जी रिसोर्सेज को, इसी को कहते हैं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो जुडिशियस यूज ऑफ एनर्जी हैज टू मेन एडवांटेज। तो ये जो न्याय संगत तरीके से अगर हम यूज कर रहे हैं, इट हेल्प्स डेवलपिंग टेक्नोलॉजीज टू मीट द एनर्जी रिक्वायरमेंट ऑफ द ग्रोइंग पॉपुलेशन। इससे आपको मदद मिलेगी कि हम लोग नए टेक्नोलॉजी डेवलप करें जो एनर्जी रिक्वायरमेंट के क्राइसिस से है ना, जो ग्रोइंग पॉपुलेशन है, आप देख रहे हैं हमारा पॉपुलेशन डे टू डे इंक्रीज कर रहा है, उससे मीट करने के लिए। दूसरा है, इट गिव्स आवर साइंटिस्ट एंड इंजीनियर्स मोर टाइम, से हमारे इंजीनियर्स और साइंटिस्ट को ज्यादा समय मिलेगा, ठीक है, कि वो नई चीज को और बेहतर कर सके और बेहतर रास्ता निकाल सके, ठीक है। अब यहाँ पर आर फॉर एनवायरमेंट, इसको आप पढ़िए है ना, आप देख रहे हैं यूज एलईडी एंड सीएफएल इंस्टेड ऑफ बल्ब्स कंज्यूम लेस एनर्जी। आजकल घरों में हम लोग एलईडी बल्ब या सीएफएल लगा रहे हैं, पहले 100 वाट का बल्ब जो पीला वाला बल्ब होता था 100 वाट एनर्जी खींचता था, ठीक है, अब 100 वाट के अंदर हम अगर 10 या 12 वाट का अगर हम यूज करते हैं क्या बल्ब, एलईडी बल्ब, तो सपोज करिए समझिए आप कितना यूज कर रहे हैं, लगभग 8 बल्ब आप यूज कर लेंगे, मतलब एक 100 वाट का बल्ब जला रहे हैं आप, तो उसी कॉस्ट में, उसी एनर्जी कंजप्शन में आपके 8 बल्ब काम करेंगे, ठीक है, समझिए आप कितना एनर्जी आपका होगा कंज्यूम। तो ये इस तरह से सोचने की जरूरत है, जब जरूरत नहीं हो फैन को चलाने की मत चलाइए, लाइट को नहीं, अब घर में नहीं है, जल रहा है, पंखा चल रहा है, टीवी चल रही है ना, जरूरी हो तो देखिए, इसीलिए है, लेकिन मिसयूज नहीं होना चाहिए। डिवाइसेस लाइक सोलर कुकर, अधिक से अधिक सोलर जो डिवाइसेस है लाइक सोलर कुकर है, सोलर वाटर हीटर है, सोलर वाटर पंप है, ये सब का यूज करिए, जिससे हमारा एनर्जी सेव हो सके। फ्यूल इफिशियंट व्हीकल, ऐसे व्हीकल का यूज करिए जो फ्यूल इफिशियंट हो, फ्यूल बचाने वाला हो, ज्यादा खर्चा नहीं होता हो, रेगुलर अपने गाड़ियों का रेगुलर मेंटेनेंस करवाइए ताकि वो ज्यादा एनर्जी बर्बाद नहीं हो। यूज पब्लिक ट्रांसपोर्ट, और कोशिश करना चाहिए हम लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज करें, सपोज करिए ट्रेन है, समझिए हजारों आदमी एक साथ ट्रेवल करते हैं, अब सब अपने अपने कारों से जाएंगे तो समझिए कितना एनर्जी क्राइसिस, ठीक है। तो इस तरह से ये चैप्टर आपका खत्म हुआ, तो आप इस चैप्टर से रिविजन कंप्लीट करके आपको बताया कैसा पूछना है,
सारे एमसीएस ग्रुप जो अंदर में है टेस्ट पर जो दिए रहते हैं, फिर एक्सरसाइज में है उसमें ऑड वन भी है, फिल इन द ब्लैंक्स भी है, साइंटिफिक स्किल क्वेश्चन है, ये सब भी है, उसको आप रिवाइज करिए, है ना। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे, राइट।